29 तारीख को पौड़ी के लवाली गांव के समीप 2 वर्षीय मृत गुलदार बरामद हुआ था, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि गुलदार के पैर के 6 नाखून गायब थे, जिसके बाद विभाग की ओर से इसकी जांच शुरू कर दी गई थी और कल देर शाम इस मामले में जुड़े सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। 29 तारीख को एक सूचना फील्ड से आई थी कि एक गुलदार का शव मिला है, शावक का, और शव को देखा तो वो करीब 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा था। शव के हाथ के आगे वाले हाथों के नाखून कुछ गायब पाए गए थे। शव को कब्जे में लेकर के जो विधिक कार्रवाई है उसको करते हुए, उसका पोस्टमार्टम कराते हुए उसका अंतिम संस्कार किया गया, जला के नष्ट किया गया, और उसके बाद इस वाले प्रकरण की खोजबीन शुरू की गई कि वो नाखून कहाँ हैं, किसके पास हैं। तो इसमें कुछ सुराग मिले और सुराग मिलने के आधार पर हम लोगों ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। इसमें लियाली गांव के एक संदिग्ध का नाम सामने आया था, उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना ये कबूल किया कि नाखून उसने ही हटाए थे। तो कुल मिला के 6 नाखून जो उसने हटाए थे वो फिर बरामद किए गए। आपको बता दें कि लवाली गांव के एक व्यक्ति से शक के आधार पर पूछताछ की गई थी, जिसके बाद 2 अन्य लोगों का नाम सामने आया था। इन तीनों लोगों ने गुलदार के 6 नाखून चुराए थे और जो इनके घर से बरामद कर लिए गए हैं। इन सभी लोगों के विरुद्ध भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है और इन तीनों लोगों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।